शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ है हाफिज़ मोहम्मद इमरान और ये है रमज़ान का समा। रमज़ान का समा जो है वो हमारे लिए लाया है ढेरों खुशियाँ, बरकतों और रहमतों वाला और मगफरतों वाला समा। तो क्यों ना सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मैं अपने मेहमानों के तारुफ के साथ। मोहम्मद हाफिज़ इमरान, प्लीज़ इनका तारुफ करवाइए। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं आज साहिल अदीम साहब, कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी होंगे। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या हाल, ठीक गुजर रहा जी? सारी इफ्तारी ठीक हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब और कारी अताउल मनान वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। बुशरा, मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू से पहले, कुछ भी करने से पहले तिलावत कलाम पाक की तरफ जाना चाहिए, उसके बगैर तो नहीं, उसके बगैर तो। कारी साहब, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ کر سب۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے، آپ ایسے ہی تلاوت قرآن پاک سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں، گرماتے رہیں۔ ساحل صاحب،
वला यहुज़ु अला ताअमिल मिस्कीन और रमज़ान मुबारक है, अगर यहीं से हम आगे बढ़ें तो आपको लगता है कि वाकई अगर हम आज मुआशरे में देखते हैं तो इसकी शिद्दत से कमी भी महसूस होती है और लोगों का हाथ थामने की भी ज़रूरत है? और क्या आपको लगता है हम बाकी उस तरफ हैं कि हाथ थामने वाले खाना तो खिलाता है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी की कल्चर में भी है ये, मगर बरतने की चीज़ें आर्यतन नहीं देता। बरतने की चीज़ें ये ना, इस आयत के ऊपर हमारी अक्कासी जो है ना, ये हमारे कोई ख़ास कंसिस्टेंसी नहीं है कि हम यतीम को खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को सॉरी खाना खिलाते हैं, मगर जनरली हम भारत खाना खिलाने से रोकते नहीं हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान का जनरल ट्रेंड यही है कि मस्कीन को खाना खिलाना जो है ना हमारे लिए कोई कोई बड़ी ना नहीं है इसके ऊपर, चाहे वो आपके को बस ज़्यादा नहीं भी है तब भी आप खाना खिलाने में नहीं इतना करते, रोकते नहीं उसको, बल्कि इसका उल्ट है, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़रा कम खिलाता है। जिसके पास ज़्यादा है, जी हाँ, ये ज़रा ट्रेंड आप देखें, जिसके पास जितना कम है हमारे कल्चर में माशाल्लाह वो फराख दिल है। खाना खिलाने पे हमने ना पैसे लेने में हर मसला करते हैं, खाना खिलाने पे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है ना वो हाथ पीछे नहीं है, हाँ पैसे मत लो खाना खा लो, या फिर मैं 100 मिस्कीन को खाना खिला दूंगा उतना ही अमाउंट देते हुए ज़रा दिल बैठ जाएगा। सो ये हमारे कल्चरल साइकोलॉजी, मगर इस सूरत में जो असली जहाँ पे हमारी नफ्सियात में आता है ना जो सोर्स ऑफ ऑल हमारा कल्चरल ईवल है, जो हमारा साइकोलॉजिकल ईवल सॉरी, वो है हम बरतने की चीज़ें आर्यतन नहीं देते। वी टेन नॉट, वी आर पोजेसिव अबाउट आर बिलोंगिंग्स, हम कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हैं, और हालांकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसी चीज़ है जो कि हमें पता है कि खैर अगर दे भी थी तो इतने कोई नुकसान नहीं होना, खाना खिलाना है तो खाना तो गया वो तो वापस नहीं आना। ये कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कि हम चीज़ें नहीं देते हैं लेकिन खाना खिला देते हैं? और कल्चरल साइकोलॉजी में हमारे ना एक मेहमान नवाजी जो थी ना हमारी गैरत का ऊपर, उसको गैरत पे बांध दिया गया था कि खाना भी नहीं खिलाया, समझ रहे? तो ये अरेबियन साइकोलॉजी, हर कल्चर की अपनी अपनी होती है, अरेबियन में भी ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि सीरा में ना मैंने ये बहुत दफ़ा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा ये जुमला बोला जाता था कि तू खाने खाना खिलाना है। तो इट्स ये है पाकिस्तान में भी माशाल्लाह, खाना खिलाने पे हम जरा खुले दिल के ये बताइए, गैरत का सॉरी खुला दिल तो है, वो गैरत के ऊपर बंधा हुआ है कि मेरी गैरत का मामला कि खाना ना खिलाए तो मेरी गैरत का सवाल है कि मैं इसे खाना खिलाऊं, कि मैंने जो कभी नहीं कहा कि खाना भी नहीं खा सकता। जी जी देखें ये खाना, ये देखें ये लफ्ज़ जो है ना इसको एक ट्राइबल साइकोलॉजी में डाला गया है, किस किस्म का खानदान है, अगले को खाना भी नहीं खिलाया तुमने नहीं, तो क्या परवरिश हुई है, किस किस्म का आदमी था, तो हम खाना खिलाने में मसला नहीं करते, मगर अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते वो, उसका वो अपनी गैरत लगाई होती है, ताबूती हरकत है, या तो अल्लाह के लिए खिलाते हो ना किसी को, अल्लाह ताला तो यहाँ पे कुरान में ये नहीं कहते, तुम्हारा कल्चर है तो खैर है प्रैक्टिस करो, अल्लाह ताला वन लाइन मैसेज देते हैं सब कुछ अल्लाह के लिए, लिल्लाह जी। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल पहले तो मैं आपसे ये करती चलूँ कि ये बताइए कि आपने इतने लोगों की जिंदगी बदली है लेकिन आप अल्लाह के अलावा कोई किसी को नहीं बदलता, वसीला होता है ना, वसीला, किसी को आपने मोटिवेट किया हो, किसी ने आपकी वजह से अपना कोई, जैसे कहते हैं ना एक्टिविटीज ये नहीं थी तो ये कर ली हो या ये अडॉप्ट कर ली हो, चेंज कर ली हो, तो इस लफ्ज के कैजुअल इस्तेमाल के खिलाफ हो गए, ठीक है जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताना है कि हर नेकी और अच्छी चीज़ सिर्फ अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली आ रही है और हर बुरी चीज़ और हर कोताही मेरी तरफ से आ रही है, इस फलसफे को याद समझ लिया पड़े, जिस दिन ये फलसफा आ गया ना समझ बच्चों को स्पेशली, उसके बाद उनकी स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस इतनी तेज़ हो जानी है ना, क्योंकि हमने ना मैं अब क्या इसकी तफसील में जाऊँ, अभी सबसे पहले तो इस मैकेनिज्म को समझें जो अल्लाह ताला ने इस कायनात का मैकेनिज्म बनाया हुआ, मैं और आप इस जगह पर जो पाए गए हैं ना इकट्ठे एक दूसरे से बात करें, इसके पीछे खरब अरब भी नहीं खरब फैक्टर्स लगते हैं कि दो इंसान आपस में इकट्ठे बात की बात कर सकते हैं, उन खरब फैक्टर्स के अंदर के अलावा भी मेरे जहन में जो सोच आती है ना जिस लड़ी से बनी हुई है, उस लड़ी में से एक भी आंसर मेरे हाथ में नहीं, मेरे पास आखिरी आंसर है कि जो आखिरी सोच है उसको मैं अल्फाज में ढाल लूँ, मुझे तो नहीं पता कि आखिर क्या बात करने लगी आप, मेरे हाथ में तो नहीं है, उस अल्फाज की वजह से मेरे अल्फाज जो मेरी सोच बनेगी
उसके थ्रू जो मेरा बैकग्राउंड है, जो भी मैंने इल्म हसूल तालीम की हुई है, उसके थ्रू जो मैं जवाब तरतीब दूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने जो भी बोलना मुझे तो नहीं पता। तो छोड़े, अभी मैं लाहौर की किन गलियों और रोडों से और आता हुआ, किस बंदे की गाड़ी के आगे पीछे से होता हुआ, गलत ब्रेक मारता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं गलत टाइम पे उठता तो ना आता इधर, हजार खरब फैक्टर्स हैं जिस्म के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उनको अभी मैंने गिनती में नहीं लाया, कभी दिल की धड़कन बंद हो जाए, कभी यू नो कोई ब्रेन हैमरेज हो जाए। सो एंड में आके मैं उन खरब फैक्टर्स के बाद अपने जहन में जो एक सोच आई है उसके ऊपर कहूँ मैं भी तो वसीला बनाऊँ ना, तो सोचें कितना ही कोई इंसान ना शुक्रा हो कि मैंने खरब चीज़ें माइनस कर दी और अपनी एक चीज़ गिन दी और उस एक को वसीला वसीला बोलना शुरू कर दिया। तो जो सारा कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा था, मैं और आप हम लोग इकट्ठे बैठे, अल्लाह की तरफ से हो जा रहा, मतलब मैंने खरब जान के बोला ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक खरब चीज़ें एक तरफ और एक चीज़ एक तरफ, और मैं एक कह रहा हूँ सर इसका क्रेडिट चाहिए मुझे। लेकिन आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट या कोई वाकया ऐसा या असाथसा पे असाथसा है मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों असाथसा मेरे लाइफ और यू स्टेप इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड फील्ड और सब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी को बदला हो या आपको लगता हो कि हां दैट हैज बीन द टर्निंग पॉइंट? नहीं, मेरी कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, मेरा रेगुलर जो असाथसा ही के नाम आते हैं जो आप बोली जा रही है, मेरी तस्वीरें आ रही है मेरे ज़हन में, उनके चेहरे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे असाथसा मिले हैं जिन्होंने दोनों कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया था कि नहीं तुझे कहीं और फोकस करने नहीं देना, इस तरह का कि भाई चल शाबाश जुत जा, काम पे लग, पढ़ाई को और किताबें खोल, उस्तानियाँ भी उस्ताद भी। मैं बस इतनी सी बात बताऊँ आपको कि कोई मोमेंट्स ये नहीं होते कि मैंने इस मोमेंट में क्या कर दिया, असल में उसके पीछे जो काफ़ी सारे मोमेंट्स होते हैं कि उस दौरान एक बंदा ऐसा पाया गया जिसने आपको इन्फ्लुएंस करवा दिया, उस सारे के सारे मामलात ने आप एहसान फरामोश ही होंगे अगर अपने असाथसा को उस जगह पे मेंशन ना किया कि भाई, या उनके बारे में ही दुआ ना की हर वक्त यार इन लोगों ने की वजह से बगैर किसी यू नो उजरत के लगे रहते थे कि बच्चा किस तरीके से, हर इंसान के साथ होता है। सजा की आपने बात की थी बीच में कि जो हम कुछ खुद करते हैं उसकी सजा हम खुद पाते हैं, तो इससे मुझे आया माइंड में मकफ़ात अमल के बारे में कि जो मकफ़ात अमल का जो एक मैकेनिज़म है और जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो वाकई है कि आप जो करते हैं आपको दुनिया में ही उसका मिलेगा बदला या आखिरत में भी मिलेगा? है ये तो इस्लाम में, तो इसके हवाले से जरा क्लियर करें ना, बताएं जरा। इस्लाम का असूल तो आसान है कि मालिक यौमुद्दीन से कुरान पाक स्टार्ट हो रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने सारे इंसाफ दुनिया में ही करने होते तो फिर मालिक यौमुद्दीन में यौमुद्दीन क्या है, जो इंसाफ का जो दिन है ना वो उस गैब के टेस्ट के ऊपर है कि दुनिया में वो मामला नहीं होगा जो आप समझते हैं, वो इंसाफ फिरौन अय्याशियाँ करके मरे, ठीक है, हमारे मुल्क में देखें पावरफुल अपनी अय्याशियों में मरते हैं, जुल्म करते हैं दुनिया में, कोई उनको ऐसा एक्सेप्शन को छोड़ दें आप, मगर ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर गुनाहों की सज़ा दुनिया में नज़र नहीं आती मिलती। तो हम ये मकाफ़ात अमल जो है ना, ये कारमा का जो लफ्ज़ है, ये ज़्यादा फैशन के तौर पर आ गया, न्यू एज इस्लाम बोलते हैं इसको, ओरिजिनल फ़िलासफी ऑफ इस्लाम में इंसाफ का एक ही दिन है जिसमें हर चीज़ का फैसला हो जाना, छोटी से छोटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आखिर दिन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एक बकरी को लाया जाएगा जिसके सींग होंगे और उस बकरी के सामने लाया जाएगा जिसके सींग नहीं होंगे, और फिर उस बकरी से सवाल किया जाएगा कि तेरे सींग थे तूने फिर भी इसको मारा जिसके सींग नहीं थे, मतलब ये बताने की ज़रूरत क्या, ये सहाबा ने पूछा, तो नबी सल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम सोचते हो ना कि पर इसका क्या सवाल होना, वो भी सब लोगों के उस वक्त रोंगटे खड़े कर देंगे कि ये इसका सवाल हो गया कि सींग वाली बकरी बगैर सींग के सामने आई और उससे सवाल हो गया, मेरे तो अमाल तो बहुत वजनी है इसके मुकाबले में, मेरे तो मतलब मुझे मैं कैसे बैठा हूँ, मेरे से इससे भी सवाल हो जाना चाहिए, किसी का भी कोई असर आना चाहिए। सो उस दिन असल में तमाम तर अमाल का हिसाब किताब होना, कबर में होना है, उसके बाद होना है, कबर में तो हवा लगनी है उस दिन की, तो जन्नत वाले हैं तो जन्नत की हवा लगवा रहे होंगे, जो दोज़ख वाले उसकी आग, मगर हिसाब किताब के दिन वो। अब दुनिया में अगर मकाफ़ात अमल होती तो फिर फिरौन छठी नस्ल में जाके ना मरता, पहले पांच फिरौन बड़े अच्छी करके गए, ठीक है, बनी इसराइल को उन्होंने यू नो सूली पर टांगा हुआ था, और हज़ार और मेरे और आपके मोहल्ले में इलाके में ख़ानदान में ऐसे लोग हैं जो हमें रोज़ हमें पता चलता है कि नहीं भाई जातियों की सजा दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला ने यही तो इम्तिजाज रखे, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा ना कि मेरी ये सुन्नत नहीं है कि जैसे ये गुनाह करें तो हम उसको पकड़ लें, बल्कि हम रस्सी दराज करते रहते हैं कि इसको मोहलत मिले,
تو یہ مکافات عمل تو نہ ہوئی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انتظام اور سنت اللہ کی ہے کہ انسان کو موقع پہ موقع پہ موقع ملا جائے ملا جائے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی حیا ہے, ورنہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. انصاف یہی ہے کہ غلطی ہو تو سزا ہو, یہ اللہ کی حیا ہے جو بار بار معاف کری جا رہی ہے کہ چل آگے چلو. پہلی قوم آئی انہیں تو اسی وقت سزا مل جاتی تھی, یہ تو نہیں, وہ ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہر قوم کو ہر روز ہر گناہ کی ہر وقت سزا ملے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. بڑے گناہ کے اوپر جب قوم جت گئی نا, گینگ اپ ہو کے نبی کے خلاف آ گئی, تب بادل برسے ہیں یا آگ برسی ہے یا پتھر برسے ہیں, ورنہ عمومی طور پہ وہ بھی اپنی بڑی بڑی نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کرتے ہیں, 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, اور یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں ان کے مذاق اور تضحیک کرتے ہیں, اور بڑی ایزا پہنچایا نوح علیہ السلام کو. تو 950 سال تو نہیں ان پہ کوئی عذاب آیا, 950 سال 950 سال سوچیں, بالکل ٹھیک, 9 سال نہیں, 90 سال نہیں, 950 سال میں کفاتِ عمل نہیں ہوا. جب آیا پھر اللہ آنا تو تھا نا, جب تو آنا تھا, وہ تو اینڈ میں نہیں آیا نا. 950 سال میں کوئی تو زندہ مرا ہوگا, کوئی پیدا ہوا ہوگا اس دوران مرا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی, نہیں بلکہ یہ کوشچن بھی میں آپ سے بعد میں کروں گی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ انہیں آسمانوں کے راستوں کا کیسے علم ہوا. لیکن پہلے تو دو بڑے بڑے مسائل ہیں اس معاملے میں. اہل سنت والجماعت کے تمام تر ریسرچ ڈاکیومنٹس میں اس حدیث کی صحت کبھی نہیں ہے, تو اس پہ کافی ڈبیٹ ہے. اصول یاد رکھیے گا, میں اس چیز کو صحیح مانتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ناسا کے سائنٹسٹ کو آسمانوں کے راستے پتہ ہیں. 8ویں کلاس کے فزکس کے بچے کو گورنمنٹ ٹیلیسکوپ لگا کے آسمانوں کے راستے پتہ ہیں, جنرلی اسپیکنگ. اوکے, مگر یہ حدیث صحیح ہے. اوکے, اور ایک نہیں ہے اس طرح کی, 2-3 حدیث صحیح ہیں جس میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو سیلاب آیا تھا وہ سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا پانی اس کا, یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس حدیث کا متن اس حدیث کے متن کو انفورس کرتا ہے, کس حدیث کو جو آپ نے سنائی. اس وجہ سے میں اہل سنت کے اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث کوی ہے اور وہ کوی حدیث انڈورس کرتی ہے دوسرے حدیث کے ڈائریکٹ متن کو, تو اس بندے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ مجرہ کا کشاک کدھر ہے اور پانی آتا ہے اس سے, ڈائریکٹ پانی آیا کہ جس کو آسمان کے راستے پتا ہو, ایٹ لیسٹ ایک راستہ تو پتا ہے. ٹھیک ہے, اور سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ٹریجیکٹری دی ہے, جس طریقے سے, اور فات بہ سبب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے پہ چل پڑا. ٹھیک ہے, اب وہ کون سا راستہ کدھر ہے, علی بن ابی طالب سے ہی حدیث ہے, اور یہ بھی اہل سنتی کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث, سوری, کہ ذوالقرنین کو ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ اڑنے کی طاقت دی ہوئی تھی, اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ فات بہ سبب آ تو وہ بھی پھر کسی ایسے ہی راستے پہ گیا جو زمین ہی نہیں تھا. سو علی بن ابی طالب سے یہ سارا کچھ ملتا ہے, عبداللہ بن عباس سے اور علی بن ابی طالب سے, یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جو کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر جس لیول کی گرفت پکڑ چکے تھے, عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ یہ لینگویج کیا ہے جس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ گمان رکھنا ضروری ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سارے راستے جو اس وقت سائنس والے مادے کے تھرو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور طریقے سے اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. خربوں بھی کم بتائیں آپ نے جی, مگر مادہ اسی طرح پیسے خرچ کر, مادہ پیسے خرچ کروائے گا. ٹھیک ہے, وہ چیز بھی نہیں آئے گی, وہ فائدت بھی نہیں آئے گی. اب حضرت سلیمان کے دربار میں جب عفریت اور ایک انسان کا مکالمہ حضرت سلیمان کا ہو رہا ہے قرآن پاک میں, اور قرآن پاک میں اس بندے کو انسان کو حضرت سلیمان نے کہا کہ تو لے آ ملک سبا کا تخت, اور وہ پلک جھپکنے میں تخت لے کے آتا ہے. وہ تخت اسٹوڈیو جتنا تخت ہے, پلک جھپکنے میں وہ 1500 مائل ایریل ڈسٹینس ٹریول کرواتا ہے ایسے کر کے, اور وہ تخت ادھر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے تھرو یہ ہم تک بات پہنچائی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام, تو وہ کہتا ہے میرے پاس علم الکتاب ہے. حالانکہ
सुरकाह में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से पूछते हैं कैसे, तो वो खैर ये इससे पहले ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये इल्मुल किताब नहीं, ये इल्मुल लदुन्नी है, ये मेरी तरफ से स्पेशल दिया गया इल्म है इस बंदे को। सो हजरत सलमान के सामने जो मामला हो रहा है ना उस बंदे का, इंसान का, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हजरत मूसा को कौन मिला था, वो इंसान था नहीं था, हमें अभी हम उलमा की क्या सराही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हजरत खिज़र ही थे, मेरा भी मानना है हजरत खिज़र थे, इसको आर नहीं है, मगर इस बंदे के बारे में तो 100% श्योर शॉट है कि आम आदमी था, क्योंकि इसके इधर दूसरी तरफ जिन खड़ा हुआ है, इफरीत, और जिन से जिन ने कहा जितनी देर में इफरीत मिनल जिन, जी जी, कि मैं आपको वो तख्त ला दूंगा, कितनी देर में लाओगे, जितनी देर में आप बैठे मेरे खड़े होंगे उतनी देर में आएगा, मतलब एक सेकेंड या उससे कम। तो इंसान ने कहा ये तो स्लो है ज़रा, खड़े होने में भी टाइम लगता है, आप पलक झपकेंगे आ जाएगा, समझ रहे। सो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, वो जो एरियल डिस्टेंस पे ताकते हैं ना, ये भी वही रास्ते ही हैं, जो आपका सवाल है ना उसी के अम्ब्रेला में मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इल्मुल किताब एक ऐसी मामला है जो मादे इल्म के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें समझा सकता है, क्या पता मादा भी इस्तेमाल होता हो, फिजिक्स तो सिर्फ मादे को इस्तेमाल करके बातें करी, कुरान पाक ने सारे मामला बड़े खोल के बयान किए हैं और ऐसा ज़बरदस्त कंक्लूसिव हिंट दे दिया है कि उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कहानी असल में कुछ और है। So, आली बिन अबी तालिब के इल्म की क्या भी बात करनी, ठीक है। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। मेरा साहिल भाई से एक सवाल है, जो मुझे डाउट है कि मेरी यूनिवर्सिटी में भी और मेरे काम ऐसे होते हैं कि रोजा रख के जो है वो मुझे लड़कियों में बैठना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, और मेरे साथ एक जगह सुना भी है कि जी इसमें रोजे पे इफेक्ट पड़ता है, तो मुझे इस पे प्लीज जो है ना डाउट है, तो इस पे प्लीज ये मेरा क्वेश्चन ले लें। अच्छा भाई, अपना नाम बताइएगा। फहद इस्लामाबाद से। फहद साहब इस्लामाबाद से जी। नहीं तो वो लाइन पे ही है अभी, आप हैं लाइन पे? जी 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 जी। क्या आपने काम की नौइयत क्या बताई आपने? जी मैं यूनिवर्सिटी में जो है वो हमें फीमेल इंटरेक्शन भी करनी पड़ती है, बातचीत भी करनी पड़ती है उसमें। यूनिवर्सिटी में कोई काम करते होंगे ना, पढ़ते हैं आप या पढ़ाते हैं? जी जी मैं पढ़ता हूँ। ओह अच्छा, स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जब भी फतवे का सवाल होता है ना, तो किसी मुफ्ती साहब हमारे पास है, मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ, आपने फतवा मांगी है मेरे से, बगैर मेरा अपना मशवरा ये है कि मुफ्ती साहब के जवाब के बाद क्या एहतियात करें और खवातीन को पर्दे का इंतजाम दावत दिया करें, आप जितने दावत दे सकते हैं दें पर्दे की, बल्कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां अगर पर्दा शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट हाउस में भी पर्दा शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आपको जवाब मिल गया अपना फाद साहब? नहीं, वो जवाब तो मुफ्ती साहब से। अच्छा, फतवा तो मैं, आप बताइए मुफ्ती साहब, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। देखें, हमारे कल्चर की बात हो रही थी तो उसी से मैं इस मसले को निकालता हूँ। हमारे यहाँ जब पर्दे की बात की जाए ना, तो आगे से जवाब मिलता है कि बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है और दीगर मामलात हैं, तरह तरह के हीले बहाने भी किए जाते हैं, मजबूरियां सामने रखी जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात, हमारी उम्महातुल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन की जो माएँ हैं, वही हमारे लिए मॉडल्स हैं और उन्हीं को फॉलो करने में आफियत है। अगर इससे ज़रा बराबर भी हम इधर उधर हो ना, तो उसमें हलाकत ही हलाकत है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी अजवाज के बारे में, बल्कि खुद खालिक कायनात ने पर्दे का हुक्म दिया और साथ ये भी फरमाया, सिर्फ एक को नहीं फरमाया, सिर्फ मर्द को नहीं फरमाया कि वो निगाहें नीची रखे, खातून सरेआम फिरती रहे, नहीं, खातून को हुक्म दिया कि वो भी निगाहें नीची रखे और पर्दे की हालत में रहे। और जहाँ तक बात है कि सतर कितना होना चाहिए और कहाँ तक छुपाना चाहिए, तो चेहरा सतर में तो नहीं आता। अब इस पर सवाल होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चेहरा है इसको जाहिर करने की इजाज़त थी, तो आज उलमा कहते हैं जी चेहरा भी छुपाओ और जनाब हाथ भी छुपाओ, पाँव भी। तो याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक होता है कौले हकीकी, एक होता है कौले ज़रूरी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अफीफा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे जब पूछा गया कि आप खवातीन को
इबादत करने के हवाले से मस्जिद में आने से आप रोकती हैं, तो आपने फरमाया कि आज अगर करीम आका अलैहिस्सलाम ख़वातीन की तज़ीन और आराइश को देख लेते तो आप भी फरमाते कि इनका मसाजिद में आना जायज़ नहीं है। यानी यहाँ तक पर्दा जो है ना उसकी एहतियात है। और अगर मैं वो हदीस सुनाऊँ, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी बंदे का जिस्म, किसी बंदे का हाथ एक लथड़े हुए खिंजीर से लग जाए, ये बेहतर है इससे कि वो किसी खातून को टच करे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आज हम किस नहज पे खड़े हैं। तो आप भाई, प्यारे भाई, अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो रोज़े की हालत में इन चीज़ों से एहतियात बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने आम दिनों में भी ऐसा मामला किया, निगाहें नीची ना रखी या खातून ने पर्दा ना किया, आम दिनों में भी गुनाहगार है, तो रोज़े की हालत में तो सख्त गुनाह होगा। बाकी यह है कि जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, कल्चर में एक बंदे को मैंने कहा, ये रिसेंटली वाक्या हुआ, कहता है जी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। साहिल भाई, जरा आपकी तवज्जो भी चाहूँगा। तो मैंने उससे कहा कि दाढ़ी रख लें जनाब। कहता है जी मजबूरी है कि कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। तो मैंने कहा दयाल सिंह कॉलेज के अंदर एक सिख जो है वो दाढ़ी रखते हुए नहीं शर्माता। तो आज का मुसलमान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, और ख़ातून जो है वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की सीरत मुबारक पर अमल करते हुए शर्माती है। अगर इसको आप खूबसूरती कहें, मैं अगर इसको दो लफ्ज़ों में बयान करूँ तो हर जो आला चीज़ होती है ना उसको छुपाया जाता है, और जो आम सी चीज़ होती है उसको सरेआम रखा जाता है। आप ऐसी खातून कि जिसका हुस्न जमाल बिल्कुल नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, वो अगर पर्दा करती है ना तो लोगों की नजरों में ना उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, अहमियत है बढ़ जाती है, और अपने आप को जैसा आपने अभी हदीस मुबारक का भी जिक्र फरमाया है, तो कम अज कम हाफिज साहब आखिरी बात, कम अज कम किसी गुनाह को ना गुनाह समझ के कोई करेगा ना तो शायद मुमकिन है कि आने वाली जिंदगी में तौबा कर ले। तो कम अज कम इतना पता होना चाहिए कि ये है गुनाह, ये है गुनाह, इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यहीं पर हम एक वक्फ़ा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें मलिक उमर फ़ारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्फे के बाद, और उसके साथ साथ राना अब्दुल मन्नान साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। समा का रमज़ान और रमज़ान का समा, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, और चूंकि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने रमज़ान के तजर्बात को शेयर करते हैं, अपनी अपनी कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और कहीं ना कहीं जो सुनने वाले उनको कुछ ना कुछ एक सबक ज़रूर मिलता है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मुल्क में इन दिनों सियासी गर्मा गर्मी है, रमज़ान भी साथ ही चल रहे हैं, और गुज़िश्ता दो तीन रमज़ान अगर हम देखते हैं तो वो सियासी तौर पर भी बड़े हलचल में गुजरे हैं पाकिस्तान के, इस वक्त भी है, और इस वक्त यहाँ पर भी एक पार्लियामेंट छोटी सी लगी हुई है। यहाँ पर मौजूद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और इससे पहले ये एमपीए भी रहे, स्पोर्ट्स एडवाइज़र भी रहे गुजार साहब की हुकूमत में, जनाब मलिक उमर फारूक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल मन्नान साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी रुकन सूबाई असम्बली हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिस जिनकी तरफ जा रहे हैं वो सियासत में हों, या थोड़ी सी रुख्सत ले लें, या उसके साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप चले जाएं दाएं से बाएं, अगर थोड़ा सा स्क्रीन से हट भी जाएं, लेकिन वो हमेशा ख़बरों में ज़रूर रहते हैं। वो गल वद गई हो ये मुख्तारिया या फिर ना चान ना नदीम अफजल चांद साहब। चांद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तीनों का, मेहमानों का बहुत बहुत खुश आमदीद, और आप तशरीफ़ लाए। चांद साहब कैसा चल रहा है रमज़ान? ठीक है जी, अभी तो दूसरा रोज़ा है, और मेरे ख्याल में तो मसरूफ़ रहें तो कोई महसूस भी नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला इससे मुस्तफीद करे सबको। और वैसे भी अपने नफ्स पे जब आप जबर करते हैं तो थोड़ा सा, वैसे भी सियासी लोगों के ज़िम्मे ज़्यादा होता है कि हम एक बदनाम कर दे गया सियासत को इस मुल्क में ज़्यादातर, तो रमज़ान में तो कम अज़ कम कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लोगों से मिलना मिलाना ज़रा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चाय पानी कम हो जाता है दिन में, तो फिर टाइम सेविंग हो जाता है, तो इससे मैं समझता हूँ मेल मिलाप ज़्यादा हो जाता है। सियासतदानों
सियासत को बदनाम कर दिया गया है, किसने कर दिया है? देखिए जी, इसमें हमारा अपना रोल भी है, इसमें मीडिया का रोल भी है, इसमें हमारी सोसाइटी की एक ऐसी सोच का रोल भी है जो समझती है कि हर चीज़ का मदावा सियासतदानों के पास है। हालांकि मैं समझता हूँ सियासतदानों के पल्ले भी कुछ नहीं है इतना, कुछ नहीं है इतना जितना समझा जाता। ठीक, तो बदनामी सियासतदानों के ज़िम्मे है और इख्तियारात जो है वो बहुत सारे और जगहों पर भी मुंतकिल हो चुके हैं। तो इसलिए अब जो वक्त आ गया है सियासतदानों को वापस अपनी चीज़ें गेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए टाइम लगेगा और ये हमारे रवैयों पे मुनसर करता है। जितनी शिद्दत, जितनी पोलराइजेशन सियासत में आ चुकी है, हम तीन पार्टियों के लोग बैठे हैं लेकिन जब पार्लियामान का इजलास हो या कोई और चीज़ हो तो उस वक्त हम लड़ते हैं। तो अगर हम एक टॉक शोज़ में या एक किसी ट्रांसमिशन में बैठ सकते हैं या आम जिंदगी में कहीं भी आम शादी गमियों के ऊपर हम इकट्ठे होते हैं, वैसे भी मेल मिलाप होता है, कई अजीजदारियाँ एक दूसरों के साथ, तो मेरे ख्याल में आवाम के मसाइल के हल के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। आप और राणा साहब तो साथ हैं, जो साथ नहीं है वो भी साथ हैं जी मलिक साहब जी चंद साहब ने कहा कि हम हर जगह तो इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन आवाम के मसाइल के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। राणा साहब तो चंद साहब तो साथ ही, आप साथ नहीं हैं असल में। एक्चुअली वो जिस विजडम से बात कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बात ठीक कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में नज़रियात का फ़र्क है ना। जो एक्चुअल में खान साहब का एक नज़रिया है जो हमने अडॉप्ट किया है, जो हमें मिला है या जो जिस बात जिस जो हमारा भी एक जेन बना हुआ है कि एक वो बंदे हैं जो वो बंदा कहे कि आके बैठ जाओ, पहले घर से सारा सामान चोरी करे फिर बाहर आके बैठ जाए फिर कह के आए हमसे मुज़ाकरात करें। तो भाई आप सबसे पहले तो हमारा जो घर का सामान चोरी किया वो वापस करें फिर हम आपके साथ बैठ जाते हैं कि क्यों चोरी किया आपने, क्या आपका मसला है। बात तो सिर्फ यही है कि कौम ने मैंडेट दिया है खान साहब को, वो मैंडेट को चुरा लिया गया, अब फिर किस 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 मुँह से किस लेवल पर या किस क्या बैठे हैं। अब उमर यूब साहब ने यह कहा कि सबसे पहले आप हमारा मैंडेट वापस करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, होना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, ये मुल्क आगे तभी बढ़ेगा। लेकिन मुल्क ऐसे नहीं बढ़ सकता कि आप एक दूसरे का मैंडेट चुरवाएं और इस कौम ने जो वोटें एक किसी को दी हैं, जो अमानत है कौम की और अमानतें अपनी दी हैं किसी को, आप उससे चुरा के उसके ऊपर हुकूमत बना के बैठ जाएं और फिर कहें आए हमसे बांट के, ऐसे ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा और चल भी नहीं रहा। चंद साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, मैं इनकी बिल्कुल दिल से इज्जत करता हूं लेकिन क्या मुल्क ने क्या क्या खोया और क्या पाया। ठीक है पहले पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नोन थी, उससे पहले और जमातें भी होंगी, इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला आज के दिन तक? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हम तो यहाँ पहुँचे, क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नोन की वजह से पहुँचे? ये सवाल है, ये पब्लिक इसका जवाब दे। ठीक है, ठीक है राणा साहब, अब मरियम साहबा बन गई हैं वज़ीर आला पंजाब और अब तो जैसे मलिक साहब ने तो अपना नज़रिया बयान कर दिया है, आपको लगता है कि वाकई अब तब्दीली आएगी पंजाब में और आम लोगों को सहूलत मिलेगी पंजाब जी? पहली बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे रवैयों पर अभी जो बात हो रही थी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आप मरियम नवाज़ साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर माशाल्लाह बनी हैं और जिस जज्बे से वो बड़ी मेहनत उन्होंने शुरू की हुई है और बहुत ही कारकर्दगी अभी से उनकी नज़र आ रही है। और बाकी जो बात चंद साहब बहुत अच्छी कर रहे थे, ये हमारा ना बदकिस्मती से ये सियासत में जो कल्चर बना दिया गया ना, उन्होंने तो क्लियर बात नहीं की लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पिछले 10 साल से जो सियासत हमारी जिस तरह की हुई है 2014 से कह दे 13 से लेके जो ओए तोए या जो डाकू इस तरह की ये गैर मुनासिब रवैये हैं, हमें तकसीम कर दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत पॉजिटिव होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को नफरत की नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव और मुस्बत सियासत होनी चाहिए। चंद साहब आपने कहा जी कि चीजें जी जी मलिक साहब, पीली टैक्सी किसने शुरू की थी?
नहीं आप चलो आप प्लेन से पूछने किसने कराई थी। अच्छा जी मेरा एक सवाल है, ये रमजान का महीना है, मेरा ख्याल बेहतर है कि तरीके से बात करें। जवाब दिया है, कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं याद करवाना चाह रहा हूँ। ये आज शान साहब, शान साहब इली टैक्सी कहने वाले वही आप लोगों के साथ है। चलिए जी मेरा सवाल है आप सबसे, शान साहब, शान साहब इमरान याजी साहब के साथ है। शान साहब, शान साहब, शान साहब देखिए आपने कहा जी रमजान आता है ना तो खाना पीना कम हो जाता है, लेकिन आप तो दूध और दूध के साथ सहरी इफ्तारी दोनों में इस्तेमाल करते हैं, खासा दूध पीते हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान के लोगों को सहरी का बताएं, आपने सहरी में आज क्या खाने में लिया? मैं तो जी सिंपल, अगर शाम को खाना खा लूँ तो फिर सहरी में खाना नहीं खाता, फिर चाय का कप या एक अंडा ले लिया या दो रस ले लिया। सहरी की बता रहे हैं, राइट? सहरी की बता, सहरी आप बताएं। मैं एक्चुअली मैं सैलड्स लेता हूं, मिक्स फ्रूट्स की और दूसरी ज्यादा सहरी में उसी से करूं। जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूं तो आप सब ऑब्वियसली पार्लियामेंट से वाकिफ है, तो पार्लियामेंट में रमजान का क्या, रमजान में कैसा माहौल होता है, क्या चल रहा होता है, क्या एक्टिविटीज होती है? आप तीनों प्लीज मुझे जो अभी आप नजर आपको यहाँ पे आ रहा है ना, यही वहाँ चल रहा होता है जो जिस तरह का ये माहौल, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये चीजें नहीं पाकिस्तान के लिए सही, यही मैं कह रहा हूँ। अभी भाई ने, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, वो भाई उधर चले गए 1990 की दिहाई पे चले गए, ये सियासत 1990 में ही ले गए हैं खान साहब। पाकिस्तान ने आगे जाना है, इस तरह आगे नहीं जा सकता। लेकिन पार्लियामेंट में रमजान के हवाले से आप बताएं कि क्या होता है, इस तरह ही? देखें जी, जब रमजान के अंदर पकवान क्या होते हैं, मेन्यू बताएं सर। रमजान के अंदर जब कोई इजलास होता है तो मेरे ख्याल में इफ्तारी से पहले ही इजलास खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। पार्लियामान के अंदर कभी इफ्तारी हुई नहीं? अच्छा, नहीं होती? नहीं, मोस्टली पहले मॉर्निंग में सेशन होता है, अगर कभी आए भी तो इवनिंग में खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी उस टाइम पे नहीं होती कि थोड़ा मार्जिन है इफ्तारी होने वाली, आप लोग उससे पहले? नहीं नहीं, उससे पहले खत्म हो जाता है। आप मुझे बताइए, जब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी पहले भी ब्रेक से पहले, मेरा क्वेश्चन था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, उनकी तखलीक के बारे में बताएं। सीरियसली, आपने इतने तीन मोतबर एक्टिविस्ट सोसाइटी के एक्चुअली करता धरता असल में ये लोग हैं, उसके बाद आपने पहले इफ्तारी में दूध का सवाल कर लिया। आप फायदा क्यों उठा रही इस मौके का? मैं आपकी जगह होता तो मैं बताता हूँ क्या सवाल करता। सुने क्या सवाल बनते हैं जहाँ पे, मुझे नहीं पता कि कौन किस पार्टी के, मैं सियासत से इस तरीके से इस वक्त यूनिवर्सिटी के, मैं असल में आई एम प्रीटी श्योर आप तीनों को मेरा नहीं, तो मैं यूथ से और किसी और सेक्टर से इस लेवल पे दोनों दो सेक्टर एकेडमिया को गवर्नेंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरा नाम साहिल अदीम है, मैं एक सवाल यूथ मुझसे हर दफ़ा पूछता है और मैं आज पहली दफ़ा मौका मिला है। बाकी तो मैंने असद उमर साहब से एक सवाल किया था, मैं उनके सेक्टर का हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ असल में, क्योंकि वो नज़र नहीं आते थे मेरे सेक्टर में कभी भी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप जिस सेक्टर से वोट लेते हैं उस सेक्टर के लोगों से तो मिल लिया करें, और बट ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन माशाल्लाह, सो ही एक्चुअली हैड द गट्स टू आंसर मी। मुझे एक सवाल जो सबसे कॉमन सवाल है पाकिस्तान के लड़के का, कि इतने करोड़ों रुपये लगा के इलेक्शन लड़े जाते हैं, ये इसके पीछे क्या ड्राइव क्या होती है? करोड़ों रुपये लगा के एक बंदा इलेक्शन में इन्वेस्ट करता है, उसकी कोई रिटर्न होती है या फिर क्या? व्हाट इज दिस, दिस इज अ बिजनेस साइकिल, या फिर इतना कोई वलवला है कि पाकिस्तानी सियासतदान में कि मैं करोड़ों लगा दूंगा बल्कि अरबों लगा दूंगा? मैं आपको इसका जवाब दूं, देखें इस, अब आपको मेरा सवाल समझ गया ना, एक लड़का इस साइकिल को देखें 1985 में या 70 में पहले नजरियाती लोग होते थे, कोई लेफ्ट का होता था, कोई राइट विंग का होता था, कोई मजहबी जमातों से होता था, प्रोफेसर भी इलेक्शन लड़ते थे, जमात इस्लामी के भी, सारी जमातों के लोग तो भी करते हैं। फिर एग्रीकल्चर बेस ज्यादा इलेक्शन में होते थे देहातों के, जी शहरों में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। फिर वक्त के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी ताजर तबका सियासत में आता गया, जो ही ताजर सबका सियासत में आया सियासत में करप्शन भी बढ़ती गई, क्योंकि आप पुराने बिजनेसमैन देख लेना जो सियासत में नहीं होते थे वो बिजनेसमैन भी ख़त्म हो गए। अब तो जो बिजनेस करता है वो सियासत में उसका एक भाई डीएमजी में या एक कोई जनरल का रिश्तेदार होता है, एक जज का रिश्तेदार होता है, तो एक सियासतदान होता है, अब तो एक बिजनेस हब बन गया। तो सियासत जो है ना बेसिकली सरमायादार की लौंडी बना दी गई है। मैं ईमानदारी उसको रिटर्न मिलता है इसका? नहीं, मैं बिल्कुल मिलता है, लोग करप्शन जो करते हैं, जो पैसा लगाते भी हैं, इवन सारे नहीं करते लेकिन कुछ लोगों के बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको उस फाइल पे साइन के पैसे नहीं, फाइल के साइन के नहीं, वो क्या एक प्रोफाइल बन जाता है,
वो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में आके बैठते हैं, वो अपने फिर अपने सेक्टर को जिसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जिससे फंड रेजिंग उन्होंने की होती है, पूरी दुनिया में फंड रेजिंग तो अमेरिका में भी होती है, हर जगह पे होती है, तो पाकिस्तान में भी सरमायादार आके उस जगह पे डिसीजन मेकिंग में आ गया, तो जहाँ पे आके पॉलिसीज वो चेंज करवाता है, ये सबसे बड़ी यहाँ से करप्शन शुरू हुई है। नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं मिला ना मुझे। मैं बताता हूँ, लगा लें 12 करोड़ रुपया मैं लगाऊंगा। नहीं, आप हर पांच साल, तीन साल आप जो सवाल कर रहे हैं वो हम सब पे अप्लाई नहीं होता, ये जनरल जो लोग आते हैं। नहीं नहीं, आप देखें, सिर्फ इलेक्शन आप लड़ते हैं ना, जो पैसा लगा के पैसा कमाने की लड़ते हैं, ये सियासत का अलमिया नहीं है। अब कोई नौकरी करता है तो सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं करता, जब कोई फौज में भर्ती होता है, जब कोई फौज में भर्ती होता है वो कुछ सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं जंगों पे जाके लड़ता, वो जज्बा भी होता है। वही तो पूछ रहा था। हाँ, तो ये ड्राइव जो है वो खिदमत खल्क, जो खिदमत खल्क होती है, बाज की फैमिली पॉलिटिक्स होती है, बाज एक जिस तरह ये आए हैं सियासत में एक नजरिए के साथ आए, इस तरह लोग बड़े बड़े नजरियाती लोग आए सियासत में एक नजरिए के साथ आए। अब अलमिया ये हमारी सोसाइटी में जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे यूथ का होगा वो सिर्फ सोशल मीडिया है, वो समझते हैं कि सियासत में जो आता है वो सिर्फ करप्शन के लिए आता है। नहीं, 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 और मैं समझता हूँ हमारे पास लोग आते हैं सियासतदानों के पास, वकील के पास जाएगा तो वकील फीस जरूर लेगा, डॉक्टर के पास मरीज जाता है वो फीस जरूर लेगा, सियासतदान के पास कोई जाता है वो फीस तो कौन ही लेता ना। आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया, सोसाइटी में ये अपनी नुमाइंदगी का जो हक देती है आवाम वो सियासतदान को देती है, उसको तनख्वाह भी देती है सर वो। अच्छा, तनख्वाह कोई चीज नहीं होती, तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है। तो फिर आप डॉक्टर को क्यों आपने इस्तिस्ना दिया है कि डॉक्टर बेशक जितने मर्जी ले। नहीं नहीं, मैं तो इस्तिस्ना नहीं दे रहा। तो डॉक्टर अगर गवर्नमेंट अस्पताल में है ना तो वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता। नहीं नहीं, तो यहाँ तो लेते हैं जो चीजें। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हर वो बंदा जो इस्तेतात रखता है ना, अगर अल्लाह ने उसको कुछ दिया है तो इस अपनी मिट्टी के लिए सर्व ज़रूर करे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वेलफेयर फाउंडेशन, कुछ भी हो। और दूसरी बात, अगर वो बंदे जो कामयाब हैं, जिनके पास अगर कुछ है, इस्तेतात भी है, वो कारोबार ना भी करें, खिदमत खलक करें, तो उनका गुजारा हो तो उनको करना चाहिए। मैं भी उनमें से एक हूँ जो मैं बाहर से अपना बिजनेस छोड़ के और मैंने किया इस कंट्री के लिए। सर, अब क्या हुआ, 2018 में तुम अपना हल्का बनाने के लिए, हम वेलफेयर करते आ रहे थे कि लंबी स्टोरी है, तो हम अपना बाहर बिजनेस छोड़ के मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। मैं 75 साल में पहला बंदा हूँ जो मजदूर का बेटा हूँ जो आज़ाद इलेक्शन जीता। जब मैं आया, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, तो मुझे एक नज़रिया मिला। अब मेरी जो पॉलिटिक्स है एक नज़रिए के ऊपर है, वो नज़रिया पाकिस्तान है, इस मिट्टी के साथ वफा। हमने जो इलेक्शन लड़ा इस दफ़ा, हमने इख्तदार के लिए नहीं लड़ा। हर वो बंदा जो बात सही करे, चंद साहब आप इस बात को थोड़ा समझे, बात ये नहीं होती कि बंदा, एक मिनट जरा, पैसों वाली बात सर, मैं वही बात बताता हूँ। अब 2018 में भी मैंने काफी खर्चा किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने करप्शन के लिए किया था, मैंने किया था अपनी मिट्टी के साथ वफा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ठीक है, इसलिए वापस नहीं आएंगे पैसे। बात को समझे, हर वो बंदा जो इस्तेदात रखता है, हर वो बंदा जो इस तरह, मेरा सवाल ना आप समझ नहीं, रॉकेट साइंस है, तो सिंपल नफसियाती सवाल। मेरी बात सुने ना, ये तो वो है, कहते हैं ये तालाब है गंदा, इसमें जो जाएगा गंदा। नहीं, आपका नफसियाती सवाल है, हम नफसियाती मरीज है नहीं ना। नहीं सर, ज्यादातर सियासतदानों ने ना असल में ना कौम के सामने, हम नफसियाती मरीज है नहीं, आपके हम रोज सारा खूबसूरत जो हाई लेवल पे लोग हैं, जैसे जो आप उनकी बात को समझे, अंडरस्टैंड करें, भुट्टो साहब के दौर में खंबे को भी टिकट मिला, वो जीत गया, वो साइकिल पे, मुझे आज भी याद है कुछ लोग साइकिल पे एमएनए बन गए थे, फजल हुसैन राय आपके शहर से बना। हाँ हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ, मुझे तो पता है हिस्ट्री का। उसके बाद में कुछ लोग आए जिनको लाया गया पॉलिटिक्स के अंदर, वो फिर पैसे वाले लोग आए, फिर छांगा मांगा हुआ। अच्छा, स्टोरी बड़ी लंबी है, फिर कोई तरीन बना, कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपने करोड़ों लगाते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे अभी। चंद साहब, सियासत जो है ये पाकिस्तान में, अब हम टू रुपए हैं सारे उस तरफ, सियासत इबादत है, आपको लगता है वाकई पाकिस्तान में सियासत नहीं? अगर जी आप ईमानदारी के साथ करें तो इबादत, तो देखें हमारे अंबिया ने भी सियासत की, हमारे इमाम पाकों ने भी सियासत की, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर आप उसकी ईमानदारी के साथ करें, जज्बे के साथ करें, आप पब्लिक के लिए, अवाम की खिदमत खल का जहन पे करें, तो
अगर आप बददयानती के साथ करें तो इससे गंदा काम भी कोई नहीं, इससे गंदा काम कोई नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ये मतलब सब पाकिस्तान में हमारे मुआशरे में 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पर आपके ख्याल में जो आपको समझ बूझ है, जो आपको समझ आती है, एक क्या क्राइटेरिया आपके ख्याल में किसी भी सियासतदान का या सियासत मेरे जिन हल्कों में उठना बैठना है ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं एक एकेडमिक एंगल से पूछ रहा हूँ। एंड आपके पास तीनों के पास जो पावर है वो उस्ताद के पास नहीं, माँ और बाप के पास भी नहीं है। कौन मिनट में आप इस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ये ताकत का अंदाज़ा आप लोगों को देना मुझ जैसे बंदे का काम होता है कि मैं कनेक्ट कर दूँ इस वक्त सोच किस प्यास में आप किस किस्म का पानी चाहिए। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पहले मुझे मौका देना, एक मिनट हमने बातें करनी कर दीजिएगा। नहीं जी, बात यह है कि सियासत मैं समझता हूँ कि हर बंदे अच्छे लोग हैं ना, कहते हैं हम अच्छे हैं, आपको सियासत में आना चाहिए। हर उस शख्स को सियासत में आना चाहिए जो मुसलमान है, जो कहते हैं कि मैं हम पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सबको आना चाहिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई हकीकत में इबादत है। लेकिन अगर बदनीति है, किसी को नीचा दिखाना है या किसी के साथ ज्यादती करनी है, वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर वफादारी पाकिस्तान की करनी है ना, तो इससे अच्छा काम कोई नहीं है, और इससे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सर, हर मुसलमान पैदाइशी सियासत में होता है, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं ना तो हम सियासत में। सुने, ये कोई किताबी जुमला नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई में सियासत में हूँ। आप जिस चीज़ को सियासत कहते हैं ना, उस चीज़ को चेंज करने की सियासत मैं कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ क्यों। आपने मुझे कहा था ना कि आप इमरान खान का नजरिया देख के आए थे, मैं कसम उठा के बता रहा हूँ, कौम तरस रही है लड़का, कि वो एक जुमले में नजरिया क्या है इमरान खान का, वो एक जुमले में क्यों नहीं बता सकता अभी तक, समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब के पास कोई नजरिया है, आई एम नॉट सेइंग दैट। वाकई में टाइड आपके पास थी, लहर बहाव पूरी तरीके से इस वक्त इमरान खान के पास थी, इतना बड़ा मौका था सियासत, असली सियासत करने का। मगर क्या हुआ, आप लोगों ने उन दो तीन सेनेटर्स को नहीं पकड़ा, नाम नहीं बताया, लोगों को ट्रेन नहीं किया कि देखते कैसे जिन सेनेटर से इस वक्त चीफ साहब मिल के आए थे, जब नवाज शरीफ साहब भी इंग्लैंड में थे। आप और मैं बच्चे तो नहीं बैठे हुए, यूनिवर्सिटी के नहीं स्कूल के बच्चों को पता था कि नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर लगना है इसलिए पाकिस्तान आए, इलेक्शन तो बाद में हुए। इस चीज़ को बायकॉट करने का नाम सियासत है असल में, कि भाई हम इस सिस्टम और डेमोक्रेसी को नहीं मान सकते। यूथ को, यूथ की अमानत थी कि यह हक उनको दिया जाता। नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा, यह हक दिया जाता, ये दिस वाज द फर्स्ट गो टू मूव, जो कि पीटीआई को बोलनी चाहिए थी कि भाई हमें तो पता है सिस्टम करप्ट है। बाय द वे, अवाम को तो ये भी पता था कि सिस्टम करप्ट है, जब पीटीआई खुद सिलेक्ट हुई थी, हम तो उस वक्त भी जानते थे, अवाम को अच्छे तो नहीं बैठे ना। वी न्यू कि जिस मौके के, जिस पूरी की पूरी मशीन के अंदर सोर्स पे करप्शन हो, उस सोर्स की तालीम कौम को दे दें, लड़के और लड़की को जो स्कूल और कॉलेज में बैठा हुआ है, कि ये फैसले अमेरिका के इस सेनेटर ने इस वजह से किए, उसकी इंक्लिनेशन ये है। वहां पर देखो रोटी कपड़ा मकान, या लेफ्ट या राइट विंग की सियासत कौन कर रहा है, चाहे वो बर्नी सैंडर्स सिस्टम से निकल जाते ना तो बड़ा आराम सर, सिस्टम से निकलना नहीं सर, सिस्टम अल्लाह की तरफ से आपको हाथ में मिल गया था। मैं तो कह रहा हूं, सिस्टम को आवाम कहते हैं, हमने आपने उनको डेमोक्रेसी में घुसा दिया। नहीं सिस्टम जी, चंद साहब समझ रहे मेरी बात, साहिल साहब जी, चंद साहब देखें, अब साहिल साहब जरा थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का भी जिक्र कर दिया कि डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। देखें, इस मुल्क में एक क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है। अब दुनिया में जितने निज़ाम आज तक हमने देखे हैं, जमहूरियत से बेहतर अभी तक निज़ाम प्रैक्टिकली मुझे कोई नहीं नज़र आया। मैंने जो पढ़ा, शायद मैंने थोड़ा पढ़ा हो, मेरे इल्म में कमी हो, मैं मतलब ये मानता हूँ मेरे इल्म में कमी होगी, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो सब डेमोक्रेसी मैंने। अब क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो हमने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे इस सारे मीडिया के लोगों ने, हर ने काम करना है अपनी अपनी बसात में। तो जमहूरियत आइडियल तो बिल्कुल नहीं है। आप ये कहें कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, आइडियल है, बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत का सफ़र एक है, या तो हम इस मुल्क में एक आप इस्लाम नाफज कर दें, तुम्हारे पास निज़ाम होना चाहिए, अगर कोई आइडियल है इनके पास तो ये बता सकते हैं, मेरे लम्बे नहीं है। दूसरा है जमहूरियत का निज़ाम जो इस वक्त दुनिया में राइज है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम क्वालिटी ऑफ जमहूरियत, हमारे लोगों के पास हक ही नहीं है, हमारे पास बुनियादी आज़ादी नहीं है, फिक्री सोच की आज़ादी नहीं है। तो सैर साहब कह रहे हैं ना, जो ये सोच रहे हैं ना, ये वो बात जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वो बोल भी नहीं सकता आज़ादी से, मैं बोलूँ तो मैं परेशानी है मेरे लिए आ जाए, ठीक है, या सोसाइटी बर्दाश्त ना करे, किसी के ऊपर फतवे आ जाए, किसी को कोई और सज़ा मिलनी शुरू हो जाए। इसलिए इतना आज़ाद मुआशरा नहीं है हमारा,
जितना मेरे भाई जल्दी से आजादी मांग रहे हैं ना, टाइम मिलेगा इस आजादी के, उस आजादी के लिए हमें स्ट्रगल करनी है। जल्दी नहीं सर, जल्दी का लफ्ज ना सीखा ही गलत है। असल में मैं हिम्मत से आजादी मांगू, उस हिम्मत का नाम असल में इस्लाम में सियासत है। अगर एक बंदे में ये हिम्मत नहीं है वो सियासत में ना आए, मेरे बस ये गुजारिश है। बस बेबात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि जान पे जोखों पे नहीं लानी तो सियासत में, ये बात जान पे लानी है तो आज, क्योंकि ये बात ठीक है, अगर हिम्मत नहीं है तो आप इस सियासत को छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ, हिम्मत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सियासतदान की बात होती है जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया था, तो मुझे ये बताइए आप भी कि क्या सियासत इबादत होती है सियासतदानों की नजर? मेरे नबी की पहली सुन्नत सियासत है, याद रखिएगा। नबी सलाम ने क्या किया, जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बस आप पैगाम आगे तक पहुंचाओ, सबसे पहले कुरैश के सरदार इकट्ठे किए गए। हमारे ये वो तबलीग जमात वाला मिशन जिस तरह ना बॉटम अप कहते हैं वो, तो वो ना मिशन नहीं किया नबी इस्लाम ने, पावर हाउस को इकट्ठा किया और डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है तो यकीन करो कि सरदारों ने कहा करेंगे। तो नबी इस्लाम ने कहा तो भाई ये दावत हक है, और लोगों ने पत्थर उठा के मारे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों, कौन थे वो लोग, इतने पावर हाउस क्या थे? देखिए बात अमल की है, अमल हम लोग करते रहिए, बातें हम इस्लाम की करते हैं, मदीना की रियासत की बातें करते हैं, कोई वो मज़हब के नाम से पार्टी के नाम रख लेता है। तो हमें देखना चाहिए कि सही तौर पे हमें अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। अब जिस तरह भाई मेरे बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें सारी करते हैं, लेकिन अगर ये परफॉर्म कर देते, अगर मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करते रहे तो कुछ किया भी होता ना मदीना के, कोई क्या इन्होंने इस्लामी क्या किया है, कोई नौजवानों को क्या तरबियत दी है, जो बदतमीजी नौजवानों को सिखाई है वही कम से कम उनकी बेहतर तरबियत कर देते। लीडर ने, लीडर जो होता है ना जी, उसने अपने फॉलोअर की तरबियत करनी, तरबियत करनी होती है, तो ये ऐसी तरबियत कर दी है कि गाली गलौज के अलावा यही से सवाल चंद साहब आपके पास आएगा, मलिक साहब आपके पास जाएगा और राणा साहब आपके पास जाएगा। रहनुमाई की आपने बात, रहनुमाई की चंद साहब, फिर साहिल साहब ने भी जवाब देना है। क्या वाकई हमारी सियासी जो रहनुमा है, सियासी क़यादत है, उसने मुल्क के कौम की 25 करोड़ लोगों की रहनुमाई की है? देखिए जी, अगर आप आइडियल कहें तो रहनुमाई, मैं उस हवाले से एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव चीज की तारीफ है मैं शायद ना दे सकूं वो, लेकिन एक जमात जब सियासत करती है उसका जो मैनिफेस्टो होता है या नज़रिया होता है या उसका जो उसकी पार्टी की पूरी हायरार्की का, वो अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं और उसी पे डिलीवर करते हैं। रहनुमाई करने के तो हर कोई अपने तौर पे कोशिश करता है, कौन कितनी कर सकता है ये एक अलग सवाल है, लेकिन जो सियासत कर रहे हैं वो सारे लीडरशिप करती तो रहनुमाई है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सही रहनुमाई नहीं कर पा रहे, सही रहनुमाई नहीं कर नहीं कर पा रहे, हम लोगों की सोच के मुताबिक सियासत नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, हम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सियासत नहीं कर पा रहे, हम लोगों की जो जरूरियात है वो पूरी नहीं कर पा रहे, लोगों की जो हमारे से तवक्कुआत है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, ये हकीकत, ये हकीकत है। मलिक साहब, एक्चुअल में मैं ये समझता हूँ कि 65% यूथ वेल्थ है पाकिस्तान के अंदर। अब वो 65% ज़ाहरी बात है जो नौजवान है, नौजवानों की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सिस्टम के अंदर से, जो 35-40 साल के अंदर 35-40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या किया है ओवरसीज़ के लिए, क्या किया है नौजवानों के लिए, क्या किया है, क्या किया है सिस्टम के अंदर, क्या डिलीवर किया है? अब वो एक जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है ना, वो अब एंड पे पहुंच चुका है। अब ये अगर कहा जाए कि जी खान साहब ने को बदतमीजी का कल्चर दे दिया है, ये गलत बात है। अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, जिस घर के अंदर का 4-5 नौजवान है और महंगाई का आलम ये है कि वो 50,000 कमा रहे हैं और 80,000 खर्चे हैं, तो भाई शाम को घर में भी लड़ाई होगी और वो अपनी जो एक खान साहब ने बिल्कुल रहनुमाई की है। उन्होंने रहनुमाई ये की है कि मेरे जैसे लोगों को, जो मेरे जैसे लोग हजारों लाखों हैं, अलाखों लोग आपके मानने में, उनको बता दिया है कि इस मुल्क को नुकसान देने वाले कौन है और इस मुल्क को तोड़ने वाले कौन है, इस मुल्क के लिए अगर किसी ने कुछ किया वो कौन है, हमें हर चीज पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बात वही है चंद साहब की कि सच सारा सच नहीं होता, झूठ सारा झूठ नहीं होता, तो बात यही है कि बहुत सी बंदिशें, बहुत से मसले, बहुत से, जी राणा साहब, ना तो खान साहब इस मुल्क से बाहर गए ना, वैसे एक बात है, सॉरी मैं नवाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहूंगा, उनको मैं क्रेडिट ये देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बाहर सल्तनत कायम कर ली है, उनको पता है यार इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स का स्टाइल भी यही है, क्योंकि सियासतदान मस्कीन है, बेसिकली उन्होंने अपने आप को मस्कीन बना लिया है कि ठीक है जी आओ हुकूमत करो और चले। कॉलर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से हैं?
सलाम, मैं सामिया बात कर रही हूँ कराची से, और मेरा सबसे ये सवाल है कि साहिल साहब से भी और बाकी सब से भी कि आप पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, लाइक व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या है और पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हैं? राणा साहब आप जरा मुख्तसर की बताइएगा कि रहनुमाई की है सियासी क़यादत ने। जी मैं वही बात आ जाती है कि बिल्कुल सियासी क़यादत का काम है अखलाकियत सबसे पहले सिखाएं अपने लोगों को। ये तो फिर आप साथ बैठे मलिक साहब की पार्टी को कह रहे हैं। देखें नहीं सबको कह रहा हूँ, वो तो किस पे अप्लाई होती है बात वो अलग चीज़ है। सबको हमारी क़यादत जो है हमारी क़यादत जो है वो सिखाती है कि भाई किसी को बुरा भला बिल्कुल नहीं कहना, अखलाकियात पे वापस ले जाएंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए अगर आपको बैठना पड़ता है मिलके चलें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें, जमहूरियत की खातर आप लोग बैठे मिलके काम करें, लेकिन ये नहीं है कि आप कौम को तकसीम करें, नफरत बढ़ाएं कौमें नफरत नहीं होनी चाहिए। साहिल साहब ये वे फॉरवर्ड क्या है इसी मौजूदा निज़ाम में और बिलखसूस उस नौजवान अल्फाज में ना जो जुमला बोलते हैं ना उसमें अल्फाज में काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट अल्फाज होते हैं, उस जुमले में उसका कोई भी मतलब लिया जा सकता है। मैं उसको स्पेसिफिक कर देता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और जरदारी साहब, इन तीनों के ऊपर 25 करोड़ बंदों के पहले ईमान का सवाल होना है, अल्लाह अल्लाह, फिर उनकी आईक्यू का सवाल होना है, अल्लाह अल्लाह, फिर उनकी अखलाकियात का सवाल होना है। सबसे पहला काम ये था कि एज अ फादर ऑफ द नेशन ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि भाई हम तुम्हें इंफॉर्मेशन वो ही देते हैं जो हमें पता है। मैंने आपसे क्यों आपसे पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ 2 सेनेटर से मिले हैं, ठीक है, जेक सलवन से मिले हैं, सबसे बड़ी बात, एवरी पाकिस्तानी शुड हैव बीन ट्रेन्ड बाय द पॉलिटिशियंस कि भाई ये देखो हमारी क्यादत जब मिलती है उनकी क्यादत के साथ तो ख़ास किस्म के बंदे रिसीव करने आते हैं, ख़ास किस्म की प्रेजेंटेशन मिलती है, ख़ास किस्म के इशू डिस्कस होते हैं, उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आना है। ये यूट्यूबर्स और यू नो जर्नलिस्ट का काम नहीं है, ये हमारे लीडरान का काम है कि भाई कौम का आई क्यू ऐसे बढ़ाया जाए, खोल के बताया जाए कौन से कोई सीक्रेट विजिट्स हैं, पूरी दुनिया टी वी पर देख रही है, इसका मतलब क्या है कि आगे अगले 10 साल में कौन कौन से मसले तुम्हें आने ही आने, वो भी अमेरिका से आने। जब तक हम कौम को नहीं बताएंगे ना ये वाली बातें तब तक पाकिस्तान अमेरिका की 91वीं स्टेट के तौर पे फंक्शन करेगा। और आप तीनों के पास एक एक मौका मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, क्यादत की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को 91वीं स्टेट ना बनने दिया जाए। और तमाम मैं आपको एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ, एज वेरी फंक्शनल पाकिस्तानी एडल्ट, कि ऑल थ्री ऑफ यू और योर लीडर्स हैव फेल्ड मिजरेबली कि पाकिस्तान को अमेरिका से तो आजाद किया जाए सबसे पहले, पॉलिटिकली आजाद, उसके पीछे मैं बताता हूं अमेरिका से आजादी मांगते हैं, मदद भी उन्हीं से मांगते हैं, ये कैसे ना उसका तरीका बताता हूं ना, उसके भी तरीके हम कैसे बंदे को पता है। आप पता है आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, एक रोल नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। मैं इस तरह यही होता है कौम पूरी की पूरी आधे सवाल में फंस जाती है। हमारा 3 अलग-अलग मुल्कों के साथ पैक्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से हम अमेरिका को बुली कर सकते थे, ये कौम को बताना जरूरी था, क्योंकि अवाम का मैंडेट पे नवाज शरीफ साहब ने एटम बम के धमाके किए, उस वक्त अमेरिका के क्लिंटन ने मना किया हुआ था, उसी क्लिंटन के मना करने पे आपके नवाज शरीफ ने हमारे 30,000 फौजी भी मरवाए थे क्लिंटन के कहने पे, मगर उसी क्लिंटन के खिलाफ क्यों पाकिस्तान में एटमी धमाके हुए थे, बिकॉज अवाम का मैंडेट साथ था उस वक्त, इस वक्त आपके पास था अवाम का मैंडेट। इतना बड़ा मौका है, अभी भी है बाय द वे, पीटीआई के पास है अवाम का मैंडेट, हूएवर इज सेइंग अदरवाइज इज लाइंग, वी ऑल नो दैट वे पाकिस्तानी। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हूँ, इफ एनीथिंग आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ इमरान खान, बिकॉज अल्लाह ने मौका दिया हुआ था इस मौके पे, और मैं सिर्फ इस्लाम की लेंस से देखता होता हूँ कि अल्लाह ताला किसको मौके दे रहे हैं, पैदर पे मौके मिल रहे हैं, मगर गलती वही हो रही है, फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ ईदर नवाज शरीफ और रज़ाई और भुट्टो साहब और यू नो मुस्लिम लीग, फॉलोअरशिप की गेम नहीं है, हमारे पास सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है, उनको फॉलो करें कि इस वक्त सबसे बड़े बोली से पंगा लेना है। And you had the opportunity, मैं आपको बात बता रहा हूँ आपके तवस्त से तमाम पीटीआई वालों को बता रहा हूँ, ये मौका एक दफा मिला था, अल्लाह करे दोबारा मिल जाए किसी एक को तो मौका मिले पूरे मैंडेट का। ये अफ्तार शो है, आप बड़ा गर्म शो कर रहे हैं, ये गर्म शो पे ना ये चांद साहब के साथ कुछ ऐसी बातें हो जाएं, वो ये पसल ये सीन वो आप थोड़ी सी मैं आवाम की आई की बात कर रहा हूं, आवाम को अब बहुत कुछ पता है, साहिल साहब अपनी बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। हाँ, कि आपको कुछ ऐसे कॉम को एजुकेट करें कि अमेरिका का अल्टरनेट क्या हो सकता है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने ना 2 मौके दिए थे आप कि आपकी पैक आपके पास था, आप लोगों ने बंद कर दिया, अल्लाह ताला ने और मुस्लिम ममालिक को भी मौके दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ही मौके दिए हैं,
सारे मुस्लिम मालिक को दिए ना, मुल्कों को नहीं मौके देते, कौमों को दिए हैं, कौमों को दिए ना जी। तो किसने उनको कहां आईडिया को इस्लाम कैसे, अल्लाह ताला कैसे, जैसे ये बहस नहीं हो सकती ना टीवी पे इसको, और बहस कौन कर रहा है सर। मैं आपको मौके की याददाश्त करवा रहा हूँ, आपके पास एक्सेस है नवाज शरीफ साहब का, मैं उनको कहें जिस दिन अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका के ओबामा ने फलस्तीनी मारने के लिए दिए थे ना, अगले दिन जाके काले चने नहीं देने चाहिए थे उनकी बेगम को कि हमने आपको खाना बना के दिया। लंदन में बैठ के तो नहीं सोचे ना, सही ना, ये मसला है, ये कौम का मसला है, इस्लामी कौम का। आपके साथ आपके लीडर ने भी ये काम किया भाई, पाकिस्तान की अच्छा जी मेरी बात सुनिए, अभी बता दीजिए पहली गलत, पहली दफा किसी मुसलमान लीडर ने एक्सेप्ट किया इसराइल को टू स्टेट सोल्यूशन, इमरान खान साहब है क्या जी, पता है आपको इस बात नहीं, नहीं मेरी बात सुन नहीं, 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 है ये तो एक जर्नली जो एक चीज जो अरब भी कर रहे हैं, करते रहे सर अरब, अरब करेंगे तो हम भी करेंगे। खैर ये चूंकि मैं सर मैंने आपसे अभी कहा मेरा नबी के अलावा कोई एग्जांपल नहीं है, जब आप कहते ना इया का नाबुदू या करते फिर अरब नहीं रहते बीच में, फिर अल्लाह रहता था ना आपके बीच में, इया का नाबुदू सिर्फ अल्लाह के लिए। अब मोहम्मद बिन सलमान के तो नहीं हम फॉलोशिप में, इमरान खान को फॉलो करेंगे ना, हम तो अल्लाह की फॉलोशिप में करते हैं, और जब मौका आया तो टू स्टेट सोल्यूशन बोल दिया इमरान खान साहब ने। इतनी बड़ी ज्यादा, एक आम मुसलमान मुझ जैसा बंदा तो खून के आंसू रो रहा था क्या? ये तो उन्होंने यूएन की बात की है, जो यूएन में हुआ कि टू स्टेट सॉल्यूशन, यूएन में बात हुई। मेरा ख्याल आपको एक कॉलर, एक कॉलर साहब, एक कॉलर, एक कॉलर लाइव कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी कहिए, एक सवाल करना था मुझे। जी जी करें, कौन साहब है, कहाँ से हैं जी? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। जी जी कहिए। एक्चुअली हमारी यूथ कंफ्यूज है या मायूस है? अच्छा, ये सवाल किससे किया आपने? हेलो, ये आप चंद साहब से पूछ लेते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी कंफ्यूज। चलिए सबसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं है, मैं समझता हूँ कि मायूस हैं, और पॉलिटिकल लोगों के एजुकेटिव रोल होना चाहिए, ये बात ठीक है, और पॉलिटिकल लोगों ने ये मायूसी खत्म करनी है, लीडर्स ने ये मायूसी खत्म करनी है, और इस बात में बिल्कुल मैं यूथ के 100% मैं इस नजदीक मुतफिक हूँ कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी लीडर्स पे आती है। ठीक हो गया, साहिल साहब आप बताइए, चले आप बताते हैं, इस तरह घूमा करें ना टेबल को ऐसे। चले जी, आप एंड में बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये आदाब ये होते हैं ना मजलिस के, से सबके जवाब पूछ के तो फिर बताएंगे, आप बताइए। मैं आपको पहले बता देता हूँ सर, मैं बताता हूँ, असल में हमारी यूथ कन्फ्यूज नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना इस वक्त, वो हमारा कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का लड़का अमूमी तौर पर पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा जानता है कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है। सही बात। सो अगर कोई कंफ्यूज है तो पार्लियामेंट हाउस कंफ्यूज है, और कोई कंफ्यूज नहीं है। क्यों, वो क्यों कंफ्यूज होते हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टी के लीडर को भी खुश करना होता है और आम को भी खुश करना होता है। वो यूथ जो है, वो जो आप कहते हैं हमारा पढ़ा लिखा आदमी, क्या वो वोट सिर्फ अमेरिकन, प्रो अमेरिकन, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे वोट देता है? काश के उसको एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट का कहीं क्वालिफिकेशन मिल जाता। आप सब तो प्रो अमेरिकन सेंटीमेंट पे खेलते हैं। नहीं सर, आप में से आज तक किसी एक बंदे ने मेजर हेड ऑन लिया? आपकी आपकी दानिशवरी सिर्फ अमेरिकन पे अटकी हुई? नहीं सर, मैंने आपको मौका मुझे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं मेरी बात, असल में ना मेरी बात सुन ले ना, जी चल रहा है लाइव शो चल रहा है ना, पढ़े लिखे यकीनन हमसे ज्यादा हैं, लेकिन बात हकीकत में हम आपकी कदर करते हैं, आपके से सीखते हैं हम। लेकिन ये देखें, कौम को इस वक्त आप ये बताएं, रोल मॉडल दुनिया में कोई और बताएं ना, आप दानिशवार को रोल मॉडल बताएं। रोल मॉडल, रोल मॉडल आप देखें, आप इस्लाम, जब हम, मैं ये कहता हूँ कि जब मजहब का नाम आप लेते हैं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, उस पर डिबेट भी नहीं हमारी सोसाइटी में हो सकती, हम डिबेट ओपन कर ही नहीं सकते, घर के अंदर नहीं कर सकते, तो टेलीविजन पर कैसे हो सकती है? इसलिए उन चीजों को आप, मैं समझता हूँ कुछ हमारी बाउंड्रीज होती हैं जिसपे हम, आप समझते हैं उन चीजों को, हम कुछ बहस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं, हमें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये मायूसी खत्म होगी। सॉरी, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद सरवर है। जी अहमद साहब, ये दरअसल हमें आवाज अंदर भी सुननी चाहिए, जो हमारे मेहमानों ने ग्रामी तशरीफ रखा है। जी अहमद साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? और मेरे जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं उनसे क्वेश्चन है कि आप पॉलिटिशियन से भी हमारे पाकिस्तान के बारे में सोल्यूशन पूछे, और यकीनन साहिल अदीम साहब जो है वो एक अलग
क्लास से और लीड से आए हैं पढ़े लिखे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे सियासतदान है मानव चंद साहब, बहुत मंजे हुए सियासतदान है, मेरे बड़े पसंदीदा सियासतदान है। इनका और इनका जो हमारा जो डिफरेंस है ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल का, ये इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा? और मेरा ये सवाल इनसे है कि आप कोई एक नुक्ते पे आके इसको आप वाइंड अप करेंगे प्लीज, क्योंकि मेरे लिए मोहतरम मेरे सियासतदान भी हैं और मेरे लिए। ठीक है चंद साहब, आपसे देखिए जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है ना जी, प्रैक्टिस इसमें बड़ा फर्क है। फर्क है, थ्योरी यकीनन आइडियल होती है, प्रैक्टिस बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। तो बातें देखें, आप किताबें पढ़ लें, शायरी पढ़ें, उस शायरी पे इम्प्लीमेंट करें तो फिर दार पे लटकना पड़ता है, जालब साहब की तरह जेल जाना पड़ेगा। नहीं, फिर दार पे सूली पे चढ़ना पड़ता है, फिर सूली पे चढ़ जाए जब अब इनकलाबी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमारे मुल्क में शायद किसी दौर में कुछ इनकलाबी सियासत होती थी, फिर इनकलाबी सियासतों का आप शहीद भुट्टो की फांसी से लेकर शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो के शहादत तक का सफर तय कर, बड़े बड़े दरमियान में वर्कर्स, बड़े बड़े लोगों ने सोबते भी जी ली, लोगों ने सियासत की है। धार पे लटका सियासतदान ही है, जेलों में गया तो सियासतदान ही गया है, जला वतन हुआ है सियासतदान ही हुआ है, कुर्बानियां दी है सियासतदानों ने दी है। मैं यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली बुरे हों बने हों, आपके मियार के मुताबिक ना हो, आपको कन्फ्यूजन से निकालना नौजवान नस्ल को, फिर भी सियासतदान है तो आप खुद नौजवान जो है एंगेज करें, अपने लीडर्स के साथ एंगेजमेंट पैदा करें, अब मिक्सअप हो पॉलिटिकल पार्टीज के, पार्लियामेंट तो कंफ्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक्टिव रोल अदा करें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शामिल, अपनी पसंद की पार्टी के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन आप पार्टीज के बाहर रह के सियासत करेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन मायूसी ज्यादा। ये जो एक पहलू है, पढ़ना और चीज है, प्रैक्टिस करना और चीज है। ये जो कंफ्यूजन की बात है, आपने कहा कि जैसे साहिल साहब ने भी जिक्र किया, पार्लियामेंट में या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें कंफ्यूजन है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। लैक ऑफ वीएन भी है। अच्छा, लैक ऑफ वीएन भी है, और हमारा जो पार्लियामान का मेयार है वो यकीनन आइडियल नहीं है। ठीक है, हम मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी वो नहीं है, आइडियल नहीं है, वीएन की कमी है हमारे सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियन हो या मेरी क्लास के हो या मेरे से ऊपर के लोग हों, वीएन की कमी है जो बाद में आ रहे हैं। अब मैं इसकी ज्यादा इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता, मैं अपनी क्लास को इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है जी मलिक साहब। नहीं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जब पंजाब असेंबली में ना किसी ने सवाल पूछा कि आपने 3.5 साल में क्या सीखा है, मैंने कहा मैंने जीरो, कुछ भी नहीं सीखा। सबसे पहले मैंने जो आगे देखी है असेंबली की इफादियत ही कोई नहीं है, कोई इफादियत नहीं, कोई इफादियत ये नहीं है। बात सच बोली मैंने तब भी कि यहाँ सियासतदान को एक मस्कीन बंदा है सियासतदान, हाँ ताकतवर भी है, ताकतवर हो जो है जिसके हाथ में मिले हुए हैं सारे, ठीक है, वरना ऐसे लोग भी हैं जैसे चांद साहब, अब कितने सालों से नहीं जीते। बात जो सच है, ये बोलते सच है, मैं इनको आइडियल करता हूँ बचपन से और मैं पसंद भी करता हूँ इनको, माशाल्लाह जी। क्यों आप बोलते जाएं, बात वही है जो उनकी, जो आप अपना एक जो विजन है जो उसके मुताबिक आप बात भी करें, अपना अमल भी करें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी करें, लेकिन पाकिस्तान में जो आइडियल इसलिए नहीं है चूंकि सिस्टम ने आपको जरूरियात इतनी बन गई है कि सिस्टम अगर मेरिट पे हो, एक सेक्टरी अदारे डिपार्टमेंट्स मेरिट पे अगर काम करें तो सियासतदान फ्री हो जाएगा। लोग इस बात पर नहीं, हमें नौकरी चाहिए, हमारा पुलिस को फोन करो, फलां फोन करो, फलां फोन करो, तो सियासतदान कम से कम कुछ सीखे, यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आए, यहाँ बैठ के यहाँ एकेडमिकली लोगों को एजुकेट किया जाए, जो नए बंदे आते, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सारा अगर कोई वजीर आला बनता है तो वो आके आता नहीं हाउस के अंदर, किसी को जवाब दे नहीं है, ऐसे जबरदस्ती स्पीकर बैठ के बिल पास करता है। आप देखें इस दफा जो अपोजिशन वाले बाहर आए हैं तो उन्होंने आए नहीं, उन्होंने बंद की, आइडियल नहीं है, उन्होंने बंद किए हैं उसके दरवाजे ताकि मरियम नवाज की स्पीच जो डिस्टर्ब ना हो, किसी ने मनाना गवारा नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, और ऐसे नहीं है, मैं इसी हाउस के अंदर रहा हूँ, मैं बात सच कर रहा हूँ। वो लेक्चर जब हो वो तो मैडम मरियम ने उन्होंने कहा कि इधर मौजूद होते बाइकर के चले गए बाहर, समझे, दोनों तरफ ऐसा ही होता है, जिसका जोर चलता है ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बात यह कब कब बदलेगा और कहां जाके रुकेंगे। तारीख होने में 5 मिनट रह गए, मेरा सवाल है चंद साहब से, अपोजिशन लीडर के पास गई है, ये तो एक छोड़ दे स्टार प्लस का सीन है। चलिए मेरा एक सवाल है जन साहब से, आपसे मैं पूछती हूँ कि आसिफ भुट्टो जो है
उनको पहली खातून बनाया गया है, तो उनकी तर्ज सियासत आपको कैसी लगती है? या इसमें ये भी शामिल कर रहे हैं मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल खातून अव्वल बनी है, खातून अव्वल जो बनी है आसिफा भुट्टो। पहले भी मेरे ख्याल में फातिमा जनाह साहिबा भी सिस्टर थी कारी आजम, वो भी हुई उसके बाद भी बड़ी बनी। बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ, और एक पढ़ी लिखी और फ्यूचर में वो कुछ कर सकती है। देखिए वो अपना भी इलेक्शन लड़ के आ रही हैं, अभी नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने लड़ना है, तो भी पॉलिटिक्स का आगाज़ होगा उनका। जब उनकी सियासत प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, फिर उसके ऊपर आप कोई कमेंट्स दे सकते हैं कि वो कैसी सियासत करती हैं। अभी तक तो उन्होंने प्रैक्टिकली सिर्फ पोलियो का एक काम किया, जो सफीर थी पोलियो की, या अपने इलाके में लाड़काना में बीबी की शहादत के बाद तालीम हासिल करने के बाद। तो अभी मैं उनके ऊपर इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो अपनी माँ के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, या जो क्राइसिस के अंदर जिस तरह उन्होंने बच्चा अपनी माँ, जिसकी माँ शहीद हो जाए और उसके बाद वो एक किस क्राइसिस से एक बच्चा जवान होता है, तो उसके बाद जब वो सियासत में आता है तो एक उसके लाशऊर में चीज़ तो वो बहुत एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन लड़ रही हैं या जो पार्टी के अंदर है, उसमें तकवीत पहुँचेगी उनकी पार्टी को भी, उनके इलाके को भी, और एक नौजवान नस्ल के लिए भी रहनमाई होगी जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, यूथ जो सियासत में आना चाहती है, तो सारों के लिए एक रोल मॉडल। अभी ये जो कैंपेन की है, आपको लगा कि एक अच्छी सियासी वर्कर की हैसियत से या आगे? देखिए जी, कैंपेन मैं समझता हूँ कि एक जो भुट्टो खानदान के साथ जिनकी एफिलिएशन है मनुष्य, तो उनको तो यकीनन वो एक बहुत अच्छी थी कि उनकी बेटी बीबी के बाद आई हैं सियासत में। हमारे पंजाब में तो कम आई हैं, तो सिंध में तो बड़ा, हमारे तो बिलावल साहब भी ज़्यादा आए थे। तो मेरे ख्याल में अब जूँ जूँ वो सियासत में आएंगी, पार्लियामान में आएंगी, आगे सीखेंगी भी और बोलेंगी भी, और अपनी सियासत का अंदाज़ सियासत भी उनका पता चलेगा, तो फिर ही इसको उसके बाद जब अमली तौर पर। साहिल साहब, ये जो अभी के इलेक्शंस हुए 2024 में, आपको लगता है कि ये इंतखाबात, इसके नतायज, और इस तरह से जैसे हुकूमतें बनी हैं सूबों में फिर मरकज़ में, तो लोगों का एतमाद उठेगा इस सियासत से, जमहूरी सियासत? आई थिंक ये आखिरी दफ़ा थी, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आवाम ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे देखा और उसके बाद भी दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा बने। अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान के लिए कोई वोट न डाले कि भाई बहुत होगी दोबारा वोट ड्रामेबाजी, इससे बेहतर तो WWF की कुश्ती है, फिर कोई एक्सेप्शन निकल आती है। हर बंदे को पता है 2018 में क्या हुआ था जी? हाँ सब ना, अल्लाह करे आखिरी दफा में क्या कह रहे हैं, आखिरी दफा अल्लाह करे आखिरी दफा हो, ऐसे कि आवाम अब तंग आ जाए कि बस यार तुम लोगों इससे बहुत बेहतर टीवी पर ना खुद ही वो कर लिया करें अपनी तरफ से। सो इट्स अ कॉमन सेंटिमेंट एंड इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड सेंटिमेंट आवाम का है इस वक्त। मसला ये है कि मैं वही तो कह रहा हूँ आप लोगों पर जिम्मेदारी क्या है, ये अल्लाह ताला ने सवाल पूछना आपसे कि आवाम को ये वाली असली बात बता रहे थे कि भैया बात ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, मौका देते हम ना इस वक्त। देखिए मैं पीपल पार्टी और जनवरी बात हो रही है, इनके इनके अंदर दो लेवल की एजुकेशन आप लोगों ने इंशाल्लाह देनी है मेरे इस प्रोग्राम की वजह से। मेरी इल्तजा आप लोगों से कि ये जो शहाना सिस्टम है ना कि जी क्योंकि सरदारी साहब की के बेटे हैं तो वो तो नेचुरल टैलेंट है उनमें, या फिर वो नवाज शरीफ की बेटी हैं तो क्वालिफाइड है, ये तो बादशाहों के यहाँ होता है ना, डेमोक्रेसी में तो नहीं ऐसे हो सकता। ये आम लड़के की बात से और लड़की की यूनिवर्सिटी के सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। चार दफा MPA बने, मेरे भाई वजीर भी नहीं बनाया इनको। मुझे जो भी निजाम है ना इसके अंदर रह के हमने हल करने पाकिस्तान के मसले, इस निजाम जमहूरी निजाम जमहूरी निजाम PMLN को चाहिए, आप जैसे जवानों को चाहिए कि आप PMLN के अंदर रिफ्ट क्रिएट करेंगे, भाई ये बच्चा पार्टी को आप PMLN से ना मिलाए ना, हमने तो मुराद अली शाह को, मुराद अली शाह को वजीर आला बनाया, इससे पहले कि हम अफ्तार की तरफ बढ़े। अभी हमारे यहाँ समा किचन जो है वो सेक्शन है, एक सेगमेंट है हमारे पास, तो जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं वो समा किचन को एंजॉय करें और हमें थोड़ा सा वक्फा दें ताकि हम अफ्तारी कर लें। थैंक यू जी, कीजिए साथ साथ हमारा समा, रमजान का समा का प्रोग्राम भी देखिए, स्पेशली आज से ऑनवर्ड्स समा किचन आपके साथ होगा और देखते हैं आज कौन सी मजे की रेसिपी है। मीरब वहाँ पे मौजूद है, मीरब से हम कहते हैं कि प्लीज ज्वाइन करें हमें, और अब हम देखते हैं कि कौन सी फेवरेट रेसिपी जो है वो आज समा किचन लेकर आया है। थैंक यू। नाजरीन,
नाज़रीन समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरा ज़ीशान। रमजान का दस्तरखान में आपको बहुत बहुत खुश आमदी। नाज़रीन रमजान की आमद है और जब भी रमजान आते हैं तो ख्वातीन को एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है कि इफ्तारी में सहरी में क्या बनाया जाए। बच्चे ख्वाहिशात करते हैं कि हमने बाहर से इफ्तारी करनी है। मर्द हजरात जब सारे दिन बाद घर आते हैं और इफ्तारी का इंतजार होता है तो दिल करता है दस्तरखान मुख्तलिफ आइटम्स के साथ सजा हो। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ बाहर जाते हैं, आप घर पे मौजूद रहिए, मैं आपकी जगह बाहर जाती हूँ फेसिक्स मौका में और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है बाहर रेस्टोरेंट्स कैफेज में। इफ्तारी किस तरह से बनती है, क्या डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाई जाती हैं, इनकी रेसिपीज इनकी आइटम्स आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौका फेज 6 DHA के किचन में मौजूद हैं और यहाँ पर इनके शेफ से बात करना ये बहुत जरूरी है। अब्दुल सबूर इनका नाम है। अब्दुल सबूर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, नॉर्मली है, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा मतलब है लेकिन वर्किंग डेज में मतलब नहीं पता चलता। अभी वर्क में काम कर रहे हैं तो इसमें मतलब थोड़ा कम भी लग रहा है, मतलब फील नहीं होता, टाइम स्पेंड हो रहा है बहुत अच्छा। वैसे ये बात बहुत अच्छी होती है जब आप इफ्तारी बनाने लग जाते हैं ना तो आपको रोज़ा भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता। सबूर बताइएगा, आज इफ्तार का जो जो भी आइटम्स हैं उनमें क्या क्या रेसिपीज़ हैं, क्या आपकी जो भी डिशेस हैं आज के हवाले से वो प्लीज़ बताइए। बहुत ही बेहतरीन एक डील लेके आए हम और जिसमें भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये मेन्यू आ गया जी सामने। मेन्यू आ गया, सही है, जिसमें डेट्स हैं, फजीता रोल है, सैलेट है, मेन कोर्स है डिफरेंट किस्म के, पिज़्ज़ा है, मरोकन चिकन है और चिकन थाई चिकन पिज़्ज़ा है, स्पाइसी चिकन पनीनी है। मतलब कस्टमर माइंड पे है वो क्या डिसाइड करता है मेन कोर्स में। बाकी हमारे अफ्तार प्लेटर में डेट्स हैं, फजीता रोल है, दही फुल्कियाँ हैं, मिनी समोसे हैं, पोटैटो वेजेस हैं और मिंट मार्गरीटा है, दो ड्रिंक्स। क्या बात है, ड्रिंक्स में अच्छा मिंट ब्रोनी भी है डिज़र्ट्स में। अच्छा, मिंट मार्गरीटा जो है ना उसके हवाले से भी मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन कि रमज़ान में बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें एक तो मिंट होता है यानी पुदीना होता है, आप उसको घर पे खुद भी बना सकते हैं और वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब आप उसको पीते हैं आपके अंदर जो सारे दिन के बाद एक जो लाइक कमी होती है पानी की वो पूरी हो जाती है, तो उसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। सबूर, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू कि मैं आपके साथ थोड़ी हेल्प करूँ और मैं भी कुक करूँ और हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनके साथ हम लोग रेसिपीज शेयर करें, तो मेरे साथ ही रहिए। ये ग्लव्स मुझे पहनाए गए हैं क्योंकि इनके बगैर काम नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ साथ थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये दही भल्ले हैं जो कि हमें बहुत पसंद है, इसके अंदर इन्होंने दही, उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, फ्रेश सैलेड और फुल्कियाँ ऐड की हैं। और ये तो वैसे कहते हैं कि रमज़ान की जो है ना वो एक बेहतरीन डिश है जो हर घर में बनती है, ना भी बने तो बाहर से ले आते हैं, तो लेकिन आप घर में भी इसको बना सकते हैं। अभी एक चीज़ इन्होंने इसमें ऐड नहीं की है वो मेरे मुताबिक बहुत मज़े की लगती है कि आप पुदीने की चटनी, हम देख रहे हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें बना रहे हैं क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मज़े की छोटी छोटी समोसियाँ भी पड़ी हैं और मेरे ख्याल से ये फ्राई करने वाले हैं इफ्तारी के सामान में। समोसे भी बहुत अहमियत रखते हैं, समोसों के बगैर इफ्तारी का मज़ा नहीं आता, आपस की बात है। तो मज़ीद काफ़ी सारा और भी डिशेज यहाँ पर बन रही हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा हम एंटरटेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रेसिपीज बन रही हैं, तो मेरे साथ ही। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं फ्रूट चाट की तरफ। इन्होंने इसमें काफ़ी मज़े के फल डाले हैं, इसमें पपीता है जो आम की कमी पूरी कर रहा है, दूसरी तरफ इसमें अनार है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, सेब है और फ्रूट चाट तैयार है। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ कुछ मसाले तो नहीं डाले हैं, मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड किए हैं? मसाले अभी कुछ ऐड नहीं किए हैं, फ्रेश जूस ऐड हुआ है, तो यकीनन ऑरेंज का ऐड हुआ होगा, ऑरेंज जूस इसमें ऐड किया है। आप इसमें वैसे थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से कि ये फल ही इतना मज़े का है, मीठा फल है, पपीता है, सेब है, इसे शुगर की कमी भी पूरी हो जाती है। अब हम फ्राइड आइटम्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ज़रा मेरे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, अब छोटे समोसे के बाद चिकन के समोसे थे, उसके बाद आप लोग फ्रेंच फ्राइज तो घर पे बनाते हैं तो क्यों ना पोटैटो वेजेस ट्राई किया जाए। इसकी मैरिनेशन उन्होंने बनाकर रखी हुई है, अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, पोटैटो को बीच में से कट करके उसके बाद आपने इसको यहाँ से कट करना है और फिर आपने इसको यहाँ से कट करना है। तो ये 6 स्लाइसेस आपको 1 पोटैटो में से मिलेंगे और आपके पोटैटो वेजेस तैयार हो जाएंगे और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, तो हमने कहा जरा इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेक्स ही बन रही है मेरे ख्याल से, बर्गर सैंडविचेस भी हैं लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है, तो वहाँ भी जाके जरा थोड़ी सी अपनी एंट्री मारते हैं।
जी नाजिन, अब आपके सामने मौजूद है ब्रेड स्टफ चिकन। ठीक है, ये जो स्टफ चिकन होता है इसमें बेसिकली चिकन यूज होता है, उसके बाद इसके अंदर मशरूम्स यूज होते हैं, एलोपिनोज यूज होते हैं, चीज यूज होती है, और फिर ब्रेड जो होती है तो आप लोग घर में नॉर्मली खाते हैं उसके साथ इसकी स्टफिंग कर दी जाती है। ये हॉट सॉस है, ये जिंजर गार्लिक और जो भी चाइनीज जो सॉस होती है, सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, विनेगर होता है, उसके साथ ये प्रिपेयर की गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेक की तरफ। ये स्टेक जो है ये सिंपल चिकन स्टेक है और इसको जो है वो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है योगर्ट के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं उनके साथ इसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसको डायरेक्टली बस पैन में ग्रिल किया है और इसके साथ ये योगर्ट सॉस जो है ये सर्व करते हैं। इसमें क्रीम यूज हुई है, जिंजर गार्लिक है, ये दोनों इनकी सिग्नेचर सॉसेस हैं। अब आप जब भी मौका आएंगे तो आपको जब ये सॉस सर्व होगी तो आपको पता होगा कि इसकी बेसिकली प्रिपरेशन किस तरह से हुई है। इसमें ड्राइड हर्ब्स भी यूज हुए हैं, राइट। तो ये जो है इनकी योगर्ट सॉस है, जो बेसिकली हम इसको गार्लिक सॉस भी कह सकते हैं, गार्लिक मायो सॉस जैसे आप कहते हैं, और ये हॉट सॉस है और ये चीज़ पड़ी हुई है। चीज़ भी हम लोग की जो योगर्ट सॉस होती है यानी जो जिंजर गार्लिक सॉस होती है उसमें हम लोग चीज़ भी यूज़ कर देते हैं। तो नाज़िम ये आज का इनका सारा मेन्यू है, देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। वैसे टेस्ट इसका तो अभी सारी के बाद ही पता चलेगा, मगर जब आप लोग घर में इसको कुक करेंगे, आप लोग अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी जब लेकर आएंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। जी नाज़िम, लास्ट में अब आपको बताते हैं जो हमने पोटैटो वेजेस कट की थी उनको बेसिकली मैरिनेट किस तरह से किया जा रहा है। तो पहले अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद पैप्रिका ऑयल, उसके बाद इन्होंने इसके अंदर ड्राइड हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा आपने क्या यूज़ किया? बस ऑयल है, ड्राइड हर्ब्स हैं, पैप्रिका पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर के साथ थोड़ी क्रिस्पी सी इसकी जो है वो लुक आ जाएगी। अब इसको ये डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। फ्राई करेंगे या बेक करेंगे? इसको बेक करेंगे। वैसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर फ्राई करेंगे तो ये इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो नाज़िम ये आपके वेजेस तैयार हो गए हैं जो बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होते हैं। जी नाज़िम, मज़ेदार इफ्तारी तैयार है, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली इफ्तारी थी। अब इफ्तारी का वक्त शुरू होने वाला है तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा यानी कल, और कल हम आपके साथ न्यू रेसिपीज़, न्यू आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए समा का दस्तरखान।